एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिष्ठा और आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने सीलिंग फैंस को क्लीन कर सकते हैं बिना डस्ट को नीचे गिराए हुए, बिना आपके ऊपर धूल आए हुए। किस तरह से हम अपने जो सीलिंग फैंस हैं उनको क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इस तरह से आप जो अपने फ़ैन हैं वो क्लीन करेंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 15 मिनट्स में मेरे पूरे घर के जो फ़ैन हैं वो क्लीन कर दिए और कहीं भी एक भी धूल नहीं गिरी। तो दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। ये जो सीलिंग फ़ैन है देख रहे हैं आप मेरा कितना गंदा है, और मैं इसे मंथली क्लीन करती हूँ, रोज़ तो ऐसा क्लीन हो नहीं सकता है, तो मैं इसको मंथली बेस पे क्लीन करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे जो पंखा है वो गंदा कितना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके यहाँ पोल्यूशन कम है तो ये कम गंदा होगा, इस पर किसी का देखो बस तो है नहीं। तो मैंने लिया है एक पिलो कवर, ये है मेरा पिलो कवर जो बहुत पुराना हो चुका था और मेरे कोई यूज़ का नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, इस पिलो कवर के अंदर में जो इसका ब्लेड है फ़ैन का उसको मैं रैप कर लूँगी, पूरा अंदर कर देंगे उसको, और मतलब इस तरह से जैसे हम पिलो में कवर चढ़ाते हैं ना वैसे डाल देना है, और बस आपको दोनों हाथों से इसे इस तरह से प्रेस करते जाना है नीचे की तरफ और बाहर निकालते जाना है, तो जितनी भी धूल गंदगी है वो सब जो है वो पिलो कवर के अंदर आ जाएगी और कहीं भी एक भी डस्ट नहीं गिरेगी, ना आपके ऊपर गिरेगी ना कहीं और गिरेगी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी धूल थी जो इसमें कूड़ा लगा हुआ था वो सब देखिए साफ़ हो गया है। अब जो बोलते हैं ना धूल के निशान रह गए हैं खाली, ये मैंने पूरा जो है वो पिलो कवर के अंदर ले लिया है। इसी तरह से मैं सारे मैंने पंखों को इसी से क्लीन किया है, इसी तरह से, और बिलीव नहीं करोगे इतनी जल्दी क्लीन हो जाते हैं ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये मेथड। और अभी देख रहे हैं आप इस पे धूल के निशान है, तो मैं यहाँ पर जो है स्प्रे कर दूँगी, और आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हो, DIY क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे कर दिया है और उससे मैं इसको पोछ दूंगी, मैं बाहर साइड से पोछ रही हूँ, अंदर साइड सारा धूल था और बाहर साइड ये बिल्कुल क्लीन था कपड़ा, तो मैंने उसे बाहर साइड में से पोछ दिया। आप चाहें तो जो स्पंज वाइप आता है उससे भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ब्लेड है वो पूरा क्लीन कर दिया है और बिल्कुल न्यू जैसा लगने लगा है। अभी मैं जो पूरा मेरा फ़ैन है उसे भी सेम इसी तरह से मैं क्लीन कर दूंगी और जो फ़ैन है वो बिल्कुल नया लगने लगता है। तो ये देखिए जो फ़ैन है वो पूरा मैंने क्लीन कर दिया है और लग रहा है ना बिल्कुल नए जैसा, और आप बिलीव नहीं करोगे ये फ़ैन मुझे साफ़ करने में ओनली 5 मिनट्स लगे, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट्स लगे मुझे इसे क्लीन करने में, और बिल्कुल नया लग रहा है ना। पहले मैं आपने देखा था कितना गंदा हो रहा था ये, और अभी देखिए कितना क्लीन और कितना साफ़ लग रहा है। तो गाइज अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर में टोटल 4 फैंस हैं और 15 मिनट्स में मैंने सारे फैंस क्लीन कर दिए, आप बिलीव नहीं करोगे, और बिल्कुल गंदगी नहीं हुई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में वो जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।